मथुरा के छाता देहात ग्राम पंचायत के अंतर्गत छाता बरसाना मार्ग पर करीब 8 लाख रुपए से बनने वाले सार्वजनिक शमशान स्थल का शिलान्यास पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी जयपाल सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर छाता कस्बे के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस शमशान स्थल के बनने से छाता देहात ग्राम पंचायत के लोगों को अंतिम संस्कार करने में काफी सहूलियत होगी। इस निर्माण कार्य में शमशान स्थल की पूरी बाउंड्री वॉल, लोगों के बैठने के लिए एक बड़ा टीन सेट और हर मौसम में अंतिम संस्कार करने के लिए एक छतरी वाला पक्का बेड शेड आदि भी बनवाया जाना प्रस्तावित है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जसवंत सिंह चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत छाता क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के 100% विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जो विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें भी अतिशीघ्र ही पूरा करा दिया जाएगा। देखिए, ये ग्राम पंचायत छाता देहात पहली बार बनी। इससे पहले रनवारी ग्राम पंचायत के साथ मजरे के रूप में जुड़ी थी। काफ़ी प्रयासों के बाद सब लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने सहयोग किया, आम जनता का सहयोग था। इसे अलग से ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने में मैंने भी प्रयास किया और चतुर्भुजी भगवान ने ये प्रार्थना सुनी। अलग से ग्राम पंचायत छाता देहात बनने के बाद से लेकर के आज तक ये समस्या यहाँ थी। करीब करीब 20 साल पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पूरी कॉलोनी में कहीं भी शमशान स्थल के लिए कोई जगह नियुक्त नहीं थी और ना ही कोई सुविधा थी। बरसात में, धूप में, गर्मी में जब भी कोई, अगर भगवान ना करे, कोई अगर ईश्वर को प्यारा हो गया कोई सज्जन, तो यहाँ बड़ी दिक्कतें आती थी। और ये शमशान स्थल बाल्मीक समाज, हमारे कोली समाज, छाता देहात के जितने भी हमारे बाशिंदे हैं सभी के लिए ये जगह नियुक्त की गई थी।